आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में, मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की ओर। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी उठा सकते हैं आतंकवाद का मुद्दा, इमरान खान भी रहेंगे मौजूद। जी आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 16 और 17 सितंबर को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होगी। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस बैठक में वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। तो वहीं पिछले 2 महीने के दौरान यहाँ SCO के विदेश रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की कई बैठकें हुई। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक UNSCO संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अफगानिस्तान पर भारत के बयानों को ध्यान में रखते हुए बात रखी जाएगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि पीएम मोदी अपने बयान में तालिबान का नाम लेंगे। भारत ने हाल के दिनों में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर चिंता जताई है। पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले अपने नागरिकों से खफा हुआ नेपाल, दे दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ, नेपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। नेपाल सरकार ने रविवार को अपने नागरिकों से कहा है कि मित्र देशों के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी निंदनीय और अपमानजनक काम ना करे। दरअसल नेपाल में कुछ लोगों ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया था, जिसके बाद स्थानीय सरकार ने चेतावनी जारी की थी। नेपाल के गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि गत कुछ दिनों से मित्र देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए हो रही नारेबाजी, प्रदर्शन और पुतले जलाने की घटना सामने आई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, बढ़ाई गई इजरायली दूतावास की सुरक्षा। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में आतंकवादी हमले का इनपुट मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने इजरायली दूतावास और उससे जुड़े संगठनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। यही नहीं, पुलिस नई दिल्ली इलाके में पिकेट लगाकर जांच कर रही है। आप सभी को बता दें कि आज यानी कि 6 सितंबर को इजरायली नववर्ष है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 6 सितंबर यानी कि आज के दिन इजरायल के लोग नववर्ष मनाते हैं, लिहाजा दूतावास और इसके आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। जबकि दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी इजरायली दूतावास और उससे जुड़े संगठनों की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। हरियाणा के मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में टिकट ने हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के लगवाए नारे। जी हाँ, आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में रविवार को हुई किसानों के महापंचायत यूपी चुनावों पर फोकस रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा को चुनौती देते हुए मंच से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। टिकैत ने कहा कि पूरे यूपी में आने वाले दिनों में ऐसी 8-10 महापंचायतें की जाएगी। तो वही महापंचायत के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब मंच पर भाषण दे रहे बलवीर सिंह राजेवाल को हूटिंग का सामना करना पड़ा। राजेवाल इससे गुस्सा गए और कहा कि पंजाब के नेताओं को यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद टिकैत ने माइक संभाला और कहा कि ये कौन लोग हैं जो बिना वजह हल्ला कर रहे हैं, क्यों हंगामा किया जा रहा है। उन्हें वॉलंटियर्स को कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। हरियाणा में 4th-5th के स्कूल तो खुल चुके हैं, पर कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोलने पर अब भी नहीं हो रहा है फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा यानी कि लॉकडाउन 20 सितंबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर इस बार भी कोई फैसला नहीं हुआ है। आदेश में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने को कहा गया है, जबकि प्रदेश में 6ठी से 12वीं के बाद 4थी-5वीं की कक्षाएँ भी शुरू कर छोटे बच्चों को भी स्कूल बुलाया जा रहा है। ऐसा तब है जब वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर छोटे बच्चों के लिए खतरनाक बता रहे हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी तो वैक्सीन लेने के लिए 18 प्लस की कैटेगरी में भी शामिल हो चुके हैं और वो टीका भी लगवा रहे हैं। हरियाणा में
खेल पॉलिसी में फिर बदलाव की तैयारी। सीधी भर्तियों में खिलाड़ियों का 3% कोटा खत्म किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव को भेज दिया है। सरकार की मुहर के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा मेडल जीतने वालों को मेडल के अनुसार तय पदों पर भर्ती देने और स्पेशल ओलंपिक के मेडल विजेताओं को नौकरी के बजाय पेंशन का प्रावधान भी किया जा सकता है। विभाग का मानना है कि स्पेशल खिलाड़ी कोच की भूमिका सही से नहीं निभा सकते। इसको लेकर खेल विभाग ने 5 अफसरों की कमेटी का भी गठन कर लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की आपत्ति दरकिनार। आईपीएस रामचंद्र ट्रांसपोर्ट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुई नियुक्त। जी हां, आईपीएस कला रामचंद्र को परिवहन विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त करने पर सरकार में फिर से अंदरूनी विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि जब होम सेक्रेटरी ने आईपीएस कला रामचंद्रन और अन्य आईपीएस को ट्रांसफर की फाइल विच को भेजी तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की सलाह के बिना आईपीएस को ट्रांसपोर्ट में प्रधान सचिव लगाने से इनकार करते हुए फाइल सीएम को भेज दी थी। तो वहीं सूत्रों के अनुसार सीएम ने लिखा कि डीओपीटी से मंजूरी बाद में ले ली जाएगी। इस पर विज ने डीओपीटी से सलाह के निर्देश दिए व होम सेक्रेटरी को फाइल भेज दी। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के पैरालंपिक खिलाड़ी अब तक कुल 7 पदक जीत चुके हैं। तो वहीं पैरालंपिक पदक विजेता सिंहराज अधाना, मनीष नरवाल, सुमित अंतिल, विनोद कुमार, हरविंदर सिंह, योगेश कठुनिया और सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का संघर्ष और उपलब्धियां विशेष है, इसलिए इनका सम्मान भी विशेष होना चाहिए। प्रदेश सरकार को इन खिलाड़ियों के मान सम्मान में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो वहीं खिलाड़ियों को यथाशीघ्र सम्मान और उच्च पद देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। जी हाँ, आपको बता दें कि 24 परिवार की ओर से रविवार को पुरानी अनाज मंडी में आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपदा के समय अपनी जान की परवाह ना करते हुए समाज सेवा करने वाले गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये गैर सरकारी संस्थाओं को निस्वार्थ सहयोग का ही परिणाम है कि हम सब ने महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि संकट के दौरान मदद करने वाले लोगों व संस्थाओं को सदैव याद रखना चाहिए। राज्यपाल ने 24 परिवार को 1,00,000 रुपये की अनुदान राशि देने की भी बड़ी घोषणा की। 9 सितंबर को लगेगा किसान मेला। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हर साल लगने वाला मेला 2 साल बाद अब लगने जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से मेला आयोजित नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 8 और 9 सितंबर को ये 2 दिवसीय किसान मेला लगेगा। इसमें खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ व तकनीकी ज्ञान किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। हर साल रवि व खरीफ सीजन में मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से हजारों किसान पहुंचते हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन मेला लगा था, लेकिन प्रदर्शनी नहीं होने के कारण किसानों को ये रास नहीं आया। पंजाब के झमट में इसी माह सिंधवा पर बनना शुरू होगा नया पुल। 1,00,000 लोगों को मिलेगी राहत। जहां फिरोजपुर रोड पर जालंधर साइड और दिल्ली की तरफ वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए 2 महत्वपूर्ण बाईपास बन चुके हैं। आपको बता दें कि जालंधर साइड के लिए लाडोवाल बाईपास का निर्माण, NHAI और दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए सिंधवा नहर के किनारे सरदन बाईपास का निर्माण किया गया है। राहत की बात तो यह है कि ग्लाडा की ओर से सिंधवा नहर पर झमट के निकट बने हुए तंग पुल की जगह नया पुल बनाया जा रहा है। ग्लाडा ने करीब 4 करोड़ की लागत से इसका टेंडर लगाते हुए फाइनेंशियल बिड भी ओपन कर दी है। इसी महीने इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। पंजाब के लुधियाना के गांव उंटाला में नेताओं को नो एंट्री प्रवेश द्वार पर लगाया बोर्ड। जहां रैलियों में सवाल पूछने जा रहे किसानों पर लाठियां भाजी जा रही है।
किसान नेता को अपने आसपास आने तक नहीं देते हैं। ऐसे में गांव के लोगों ने भी नया रास्ता अपना लिया है। ग्रामीणों ने चुनाव में वोट मांगने आने वाले नेताओं से सवाल पूछने के लिए बकायदा बोर्ड लगा दिए हैं। जिले के गांव उंटाला निवासी ने ये पहल की है। उनकी तरफ से गांव के एंट्री पर बोर्ड लगा दिया गया है। इस पर 11 सवाल या वो बातें लिखी गई है जिसका जवाब उनकी तरफ से मांगा जा रहा है। इन सवालों और बातों का जवाब जिस किसी भी पार्टी के नेता या उम्मीदवार के पास होगा वो ही इस गांव में घुस सकता है। पंजाब के जालंधर में सरकारी बसों की आवाजाही ठप, 2000 बसों का चक्का जाम, प्राइवेट बस चलती रहेंगी। जी हां, जालंधर में सरकारी बसों की आवाजाही ठप कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सोमवार से पंजाब रोडवेज पनबस व PRTC के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से पूरे पंजाब में करीब 2000 बसों की आवाजाही बंद रहेगी। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। सभी कच्चे कर्मचारी सरकार से उन्हें रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई बार 2 घंटा या पूरा दिन बस स्टैंड बंद रख कर प्रदर्शन किया था, इसके बावजूद कोई बात नहीं बनी। तो वहीं ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना के साथ भी उनकी बैठक हुई, लेकिन रेगुलर करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जिन सवारियों को जरूरी कहीं बस से जाना है वो प्राइवेट बस के जरिए जा सकते हैं। पंजाब के कपूरथला में BR अंबेडकर सोसाइटी ने खोले 4 निशुल्क सेंटर। जी हाँ, आपको बता दें कि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़कर डॉक्टर BR अंबेडकर सोसाइटी रेल कोच फैक्ट्री शिक्षक होने का कर्तव्य अदा कर रही है। सोसाइटी की ओर से संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर की विचारधारा पढ़ो लिखो संघर्ष करो के तहत शिक्षा का ज्ञान बांटा जा रहा है। छोटी छोटी कोशिशों से बच्चों की पढ़ाई के लिए आसपास के क्षेत्रों में 4 निःशुल्क ट्यूशन सेंटर खोले गए हैं, जहां बच्चे शाम के समय 2 घंटे ट्यूशन लेते हैं। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने कभी स्कूल का प्रवेश द्वार नहीं देखा है। सोसाइटी सदस्यों की ओर से ऐसे बच्चों में पहले पढ़ाई का जज्बा पैदा किया जाता है। प्रधान किशन लाल जस्सल और महासचिव धर्मपाल पैंथर ने इन 4 निःशुल्क ट्यूशन सेंटर में लगभग 104 के करीब बच्चे पढ़ने आते हैं। हरियाणा के मुजफ्फरनगर महापंचायत में 27 को भारत बंद का हुआ बड़ा ऐलान। जी हां, मुजफ्फरनगर में देश भर से आए किसानों की महापंचायत का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर संयुक्त तो किसान मोर्चा के 32 संगठनों के नेताओं के साथ साथ दूसरे कई बड़े किसान नेता संबोधन किया गया उनको, और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक पार्टियों के आड़े हाथ लिया। महापंचायत के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब मंच पर भाषण दे रहे बलवीर सिंह राजेवाल को उनका सामना करना पड़ा। राजेवाल इससे गुस्सा गए और कहा कि पंजाब के नेताओं को यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दिए कि जरूरी बात यह है कि महापंचायत के मंच से 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसे आज तक का सबसे बड़ा किसान सम्मेलन बताया जा रहा है। करीब 5 लाख किसानों के पहुँचने का दावा किया गया है। किसानों ने इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हो प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।